साउंड कलर्स लेंगे। चलिए सभी हाथ जोड़िए। धोरा बनंग सोरे नाच किरीट कोटी सब नर नेत्र केरे नाच दूसरा ग्रह प्रस्वेत ताप मन मुक्ति मुक्ति प्रतिष्ठै भक्ताजरै गिरिपति बहुधा विसिंचे ओम ह्रीं श्रीं क्रीं ऐं पवित्र जलाभिषेकम करो मैं नमोदे और हमने पान तीस बार आई लीजिए और चार कलश लीजिए भगवान के माता पिता को एक ग्रह ईशान आई का चारों इसे ही मनोरथ सताई रे विभाव पुंसा कोणे स्रवण कल से निकले बसा नहीं संसार सागर विलग नहीं तुसे तू त्रिभुवन की पति चिनेन्द्र ओ प्रीम श्री Thank you.
जाओ शीर सिंह जय, जाओ शीर सिंह जय, इन विचारों में के सभी एक साथ शीर सिंह को चले, शीर सिंह को चले, शीर सिंह को चले, शीर सिंह को चले, जाओ शीर सिंह जय। कलश हाथों में दिए होते तो इंद्र चल दिए, कलश हाथों में दिए तो इंद्र चल दिए, सोने चांदी के कलशों को ले लिए, सोने और चांदी के कलशों को ले लिए, शीर सिंह को जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए, शीर सिंह को चले, शीर सिंह को चले, गाओ शीर सिंह जय, इन चरों में के सभी एक साथ, शीर सिंह को चले। बज रही है घंटिया और चवर ढुल रहे, घंटिया और चमर ढुल रहे, देख दृश्य इंद्रों के पाँव रे थिरक रहे, देख दृश्य इंद्रों के पाँव रे थिरक रहे, शीर सिंध को चले, शीर सिंध को चले, शीर सिंध को चले, गाओ शीर सिंध जल, गो इंद्र चलो मिलके सभी एक साथ, शीर सिंध को चले, शीर सिंध को चले, गाओ शीर सिंध जल। भगवान की भाई सभी बैठिए सभी, आएंगे आज पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आज अंतिम दिन है, ऐसे पावन दिवस पर कौन भगवान जनंद की शांति धारा करेगा। आज जिन विधिनायक भगवान का करवावतरण किया, सौधर्म ने पांडव शिला पर 1000 कलशों से इंद्र परिवार ने अभिषेक किया, पांडव में झुलाया, राज्याभिषेक किया गया, और राज्याभिषेक के बाद आहारक्रिया की संपन्न हुई, उनके आज साधना करने का सौभाग्य क्या है। 2400 भगवान की, और सभी नाम भगवान की, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, श्री वीजरागाय नमः, ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पांच तीर्थंकराय द्वादश गण प्रतिष्ठिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभू सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चित्त परिवर्धनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक शंकराय श्रावक
अभवाम अस्माकं छिन्न छिन्न विनिविने नर्तुं छिन्न छिन्न विनिविने अधिकामं छिन्न छिन्न विनिविने रतिकामं छिन्न छिन्न विनिविने क्रोधं छिन्न छिन्न विनिविने शर्वो शर्गं छिन्न छिन्न विनिविने शर्व विघ्नं छिन्न छिन्न विनिविने शर्व भयं छिन्न छिन्न विनिविने शर्व राज भयं छिन्न छिन्न विनिविने शर्व अग्नि भयं छिन्न छिन्न विनिविने शर्व शत्रु भयं छिन्न छिन्न विनिविने शर्व चौर भयं छिन्न छिन्न विनिविने शर्व दुष्ट भयं छिन्न छिन्न विनिविने शर्व मृग भयं छिन्न छिन्न विनिविने शर्व मात चक्रम छिन्न छिन्न विनिविने शर्व परमंत्रम छिन्न छिन्न विनिविने शर्व परमंत्रम छिन्न छिन्न विनिविने शर्व क्षय रोगम छिन्न छिन्न विनिविने शर्व कुष्ठ रोगम छिन्न छिन्न विनिविने शर्व कुरु रोगम छिन्न छिन्न विनिविने शर्व नर मार्यम छिन्न छिन्न विनिविने शर्व गज मार्यम छिन्न छिन्न विनिविने शर्व अश्व मार्यम छिन्न छिन्न विनिविने शर्व गोमार्यम छिन्न छिन्न विनिविने सर्व गोमारम छिन्न छिन्न विनिविने सर्व महिष्मारम छिन्न छिन्न विनिविने सर्व धान्यमारम सर्व वृक्षमारम छिन्न छिन्न विनिविने सर्व गुणमारम सर्व पत्रमारम छिन्न छिन्न विनिविने सर्व पुष्पमारम छिन्न छिन्न विनिविने सर्व फलमारम छिन्न छिन्न विनिविने सर्व राष्ट्रमारम छिन्न छिन्न विनिविने सर्व देशमारम छिन्न छिन्न विनिविने सर्व विश्वमारम सर्व वेदाल साकनी भयम छिन्न छिन्न विनिविने सर्व वेदनीयम छिन्न छिन्न विनिविने सर्व मोहिनीयम सर्व कर्माष्टकम् ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल सौर वीर शांति सर्व जनानंदनम कुरु कुरु सर्व भव्यानंदनम कुरु कुरु सर्व गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेल करवट मटा पट्टन द्रोण मुख संवाहवानंदनम कुरु कुरु सर्व लोकानंदनम कुरु कुरु सर्व देशानंदनम कुरु कुरु सर्व यजमानानंदनम कुरु कुरु सर्व दुःखम हन हन थय दे पच पच पाचे पाचे कोट कोट शीघ्रम शीघ्रम यस सुखम त्रिस लोकेशो व्याधि वर्षन वर्जितम अवयम क्षेम आरोग्यम स्वस्थिरस्तु विदेते सिंहस्तु कुलगोत धनधान्यम सदास्तु चंद प्रभु वांछ पूज मल्ल वर्धमान पुष्प दंत शीतन सुवत नेवनाथ पारसनाथ इत्तिभ्यो नमः तीन मंत्र नवग्रह गंधोदर धारा वर्षणम ओम नमो ओम नमो ओजराणम नमो ओजराणम परमो ओजराणम पट्टुबुद्धिराणम बुद्धिबुद्धिराणम पादायुसामम सर्वोत्तरम अत्यबुद्धम ओजुयुद्धाणम ऋजुमुदिराणम पायसुविराणम सत्पीसुविराणम महोत्सुविराणम अमितसुविराणम अत्यबुद्धाणम ऋजुमुदिराणम कायसुविराणम सत्पीसुविराणम अक्रमान पुष्कम अत्यबुद्धाणम विचाराणम चारणाणम नमो प्रणसमाणम नमो आकाशगमनम नमो आशीविशाणम नमो दिक्विशाणम नमो गत्थवरम नमो दत्तवरम नमो तत्तवरम नमो महातवरम नमो घोर तवरम नमो घोर गुणम नमो घोर प्रकृतवरम घोर अघोर गुहितरम नमो अनुसुतरम क्षीरसुतरम नमो जलसुतरम नमो पुष्पसुतरम नमो सर्वसुतरम नमो गुणीरम नमो वचिवीरम नमो कायसवीरम नमो सुखीसवीरम सत्पीसवीरम नमो महोत्सवरम नमो अमीसवरम वटटवरम नमो लोहे सुपिशरो नमो भक्तवरम तेजो मूर्ति नमः श्री शांति नाथाय साध्य कराय सर्व पाप विनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगापमितो विनाशनाय सर्व प्रकट शुद्ध पत्रो विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशनाय ओम राम प्रेम मसीहा उषा नमः श्री भगवन मुन सोवितना जिनमे में पंच कल्याण प्रतिष्ठा माँ माओ सवे शाकाहार प्रवत महायोगी उपाध्याय श्री एक सौ आठ गुप्ति सागर जी महाराज जी सकल संगत से सर्व प्रतिष्ठाचार्य वर्ग से शांत धारा यजमान करता श्रीमान मनीष कुमार जी कोयल मेडिकल नाम भेज से सर्व सौधर में इंसान संगत कुबेर एकनाय माता पिता सर्व इंद्र परिवार से बड़ोत नगर से देश से राष्ट्र से सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु ओम पट स्वाहा संपूज काना प्रतिपाल काना एतेन्द्र सामा नितपोधना देश से राष्ट्र से पुरुष से राज्ञा करो तु शांतिम भगवै जिनेन्द्र करो तु शांतिम भगवै जिनेन्द्र करो तु शांतिम भगवान जिनेन्द्र शांति नाम भगवान की जय।
चंदन तंदुज पुष्ट कै चरु सुदीप सुधु सुपयर्क कै अबल मंगल कानन वाकुले परमेश्वर छत्र स्थापयामी स्वाहांतरी आरती भाई सब लोग भक्ति के साथ चलेंगे भक्ति करते हुए हाँ जी आरती लीजिएगा आरती मित्रों में केवल शांति नाम भगवान की मुनिश्वर नाम भगवान की परम मुक्त उपाध्याय श्री चरण भक्ति सागरी महाराज की आनंद बहार में भक्ति की बहार में देखो आज मन मंदिर में कैसा जय जयकार है प्रसार में देखो आज राजगढ़ी में कैसा जय जयकार भक्ति का प्रसार में देखो आज राजगढ़ी में कैसा जय जयकार और धनपति करते रत्नों की वर्षा मंगल अवसर आया जी मंगल अवसर धनपति करते रत्नों की वर्षा मंगल अवसर आया जी मंगल अवसर आया जी आनंद अपार में शार की बहार में देखो आज बड़ोक नगर में कैसा जय जयकार में मनोहर पुष्पी में चलिए भाई अंदर पहुंचेंगे सभी जैसा क्रम बताए वैसे बैठेंगे आप चित्र पुजारी कपड़े ला भाई कपड़े मुक्ति बार हमको बैठा दें दो जी 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 सभी पद्मासन में बैठिए
तीर्थंकर महाप्रभु मुनि शिवलोक स्वामी मोक्ष के पहुंच रहे, सारे कर्मों का नाश करने के उपरांत ऊर्ध्वगमन स्वभाव जीव का होने के कारण छिंदशिला के अत्र भाग में जाके स्थिर हो रही है। इस दृश्य को भी देखेंगे, सिद्धांत को भी समझेंगे और जब उन्हें निर्वाण हो जाता है अग्नि कुमार देव समेत शिखर के निर्जल कूप पर पहुंच के उनके शरीर के बचे शेष नख और केशों का अग्नि सत्कार करता है। ये इस पूरे पंच कल्याण का अंतिम विधि कहलाता है। अब आप में से कौन अग्नि कुमार देव होगा, सौभाग्यशाली होंगे कि मोक्ष के उपरांत यहाँ पहुँच के निर्जल कूप की वंदना करेंगे, समय शिखर तीर्थ की तीन परिक्रमा करेंगे, नख केशों को एकत्रित करेंगे, अग्नि आहूत करेंगे। ये विधि यहाँ पर संपन्न होगी, केवल दो मिनट में इस बोली को पूरी करेंगे। पंडित जी आए, अग्नि कुमार देव आप में से कोई भी इंद्र, आप में से कोई भी श्राव गुप्ता जी उपाध्यक्ष गुप्त से आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। हाँ सामने, यहाँ से जहाँ ड्रेस वाले सामने नीचे होता है। ये समेत शिखर तीर्थ जहाँ से तीर्थंकर निर्वाण पाते हैं शाश्वत तीर्थ है। इसके शीर्ष पर निर्जर कूट है, वहाँ मुनि सुव्रत स्वामी योग निरोध कर विराजे। संपूर्ण कर्मों के छपन के साथ उनकी आत्मा ऊर्ध्व गति करती हुई सिद्ध शिला के अग्रभाग में जाके विराजी इस दृश्य को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। अब आंखें बंद कीजिए और उनका उच्चारण करें। ओ तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म की श्रेष्ठतम पुण्य प्रकृति है। सम्यक दर्शन के अभाव में इस कर्म प्रकृति का आत्म संबंध संभव नहीं होता। प्रथमोपशम द्वितीयोपशम क्षयोपशम एवं क्षायिक में से किसी भी प्रकार का सम्यक तीर्थंकर कर्म प्रकृति के बंद काल में अपेक्षित है। भगवान तीर्थंकर ने संसार की पर्याय में आत्मश्रद्धा विनय शील संपन्नता अविक्षण ज्ञानोपयोग संवेग दान तप साधु समाधि वेयावृत्य देव आराधना गुरु आज्ञा ज्ञान सेवा उपदेशानुराग क्रिया कुशल धर्म प्रभावना वात्सल्य एवं जीव दया के संस्कारों से अभिभूत होकर भवेद मार्ग प्रशस्त कर दिया। केवली श्रुत केवली का पादमूल इन गुणों की अभिवृद्धि में कारण बनकर तीर्थंकर कर्म प्रकृति के बंध में सहायक सिद्ध हो गया। आयु कर्म पूर्ण होने पर स्वर्ग गमन हुआ, पुण्य से प्राप्त अपारिश्रमिक देविक सुखों को दीर्घ काल तक भोगने लगे। देवायु के 6 मास से श्रेणी पर स्वधर्म के निर्देशन में तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव पृथ्वी पर प्रारंभ हो गया। स्वर्णिम राजभवन जिन माता की सेवा रत्नों की वृष्टि दृष्टिगत नियोग
ये सभी दिखाई देने लगे। एक समय रात्रि का पिछला प्रहर माता को 16 स्वप्न दिखाकर पुण्यात्मा के आगमन की पुष्टि कर गया। काल के परिपाक में त्रैज्ञानधारी तीर्थंकर शिशु का जन्म हो गया। तीनों लोकों में कई आश्चर्य घटित हुए। सौधर्म इंद्र का आसन कंपित हुआ। भवनवासी देव भवनों में शंख स्वतः ही मुखरित हो उठे। व्यंतर विमान भेरियों की मधुर रव से गूंज गई। सिंह गर्जन से ज्योतिष विमान भर गए। कल्पवासी देव भवनों की मनहर घंटे स्वतः ही बजने लगे। सूर्य वृक्षों के पुष्प स्वतः ही झड़ने लगे। चारों निकाय देवों के मुकुट नम्रीभूत हो गए। आर्यावर्त की प्रकृति प्रमुदित हो उठी। नरक वेदना से दुखी नारकियों ने भी निमिषकाल शांति का अनुभव किया। नवजात शिशु की जात कर्म का सौभाग्य रुचकाद्री पर्वतवासी देवियों को मिला। ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर सौधर्म इंद्र देव परिवार के साथ राजगृही की राजभवन में पहुंचा। भवन की दीन प्रतीक्षा कर राज प्रांगण में तीर्थंकर के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगा। मायावी बालक को सैया पर रख माता को माया निद्रा से प्रभावित करते हुए जिन बालक को स्वधर्म को सौंपने का काम सची इंद्राणी ने पूरा किया। जिन बालक को पाकर दो नयनों से अतृप्त स्वधर्म इंद्र सहस्र नेत्रों से मनहर छवि को निहारता रहा। अभिषेक का संकल्प लेकर महामेरु सुदर्शन के शीर्ष की पांडु शिला पर तीर्थंकर बालक को विराजित किया। क्षीर सागर के जल से भरे दीर्घकाय 1008 रत्न कलशों से स्वधर्म इंद्र ने जिन बालक का अभिषेक उपरांत नामकरण संस्कार किया। इंद्र के तांडव नृत्य के साथ जन्मोत्सव पूरा हो गया। दूज के चांद की भांति बालक का विकास होने लगा। सर्वत्र जिन बालक की रक्षा हेतु दिक्पाल भोगोपभोग सामग्री की सुलभता हेतु कुबेर स्नान एवं शरीर संस्कार हेतु दिक कुमारियां सह क्रीड़ा हेतु त्रयस्त्रिंशत देवता नियुक्त रहे। शने शने तीर्थंकर बालक शिशु से किशोर और युवा हो गए। परंपरागत राज्य का भार स्वीकार करते हुए पूर्व आत्मनमुखी संस्कारों से प्रभावित रहे। प्रत्याख्यानावरण कषाय के मंद उदय के साथ असार संसार का दर्शन कराने वाले क्षणिक निमित्त संयोग ने महाराजा की चिंतन दिशा में परिवर्तन कर दिया। राग का साम्राज्य अब विराग मेघों में ढक गया। संसार शरीर एवं भोगों का ज्वार वैराग्य के प्रबल औसत से उतरने लगा। इसी मध्य ब्रह्मवासी लोकांतिक देवों ने वैराग्य प्रशंसा का नियोग भी पूरा किया। परिजन एवं पुरजनों को यथायोग्य संतुष्ट कर राज्य के भार से मुक्त होकर तीर्थंकर मुनि सुव्रत महाराज गृह विरत से विरक्त संकल्पित हो गए। देवों द्वारा लाई अपराजिता पालकी में बैठ श्री जिन वन को प्रस्थान कर गए। 1000 राजाओं के साथ अचेलकत्व धारण कर नमः सिद्धेभ्य का उच्चारण करते हुए पंचमुट्ठी केशों का लोच कर योग धारण कर लिए। सर्वसावत्य निवृत्ति रूप सामायिक चारित्र के धनी जिननाथ अवधि के साथ अब चतुर्थ मनः परिय ज्ञानी हो गए। योग समाप्ति पर श्रावकों के पुण्य से महामुनि का चर्या भ्रमण हुआ। उत्कृष्ट दात्र एवं पात्र की प्रभावना में देवों ने पंचाश्चर्य वृष्टि की। इस धारणा की कई जीवों ने अनुमोदना कर पुण्यार्जन भी किया। छद्मस्त काल की समाप्ति के अंतर मुहूर्त पूर्व तक का समय अप्रमत्त एवं प्रमत्त गुण स्थान में आरोहण अवरोहण करते हुए पूरा हुआ। इस अवधि में इस प्रकार सहस्रों परिवर्तन होते रहे।
तीर्थंकर महामुनि क्षपक श्रेणी के सम्मुख होते हुए साथी से प्रमत्त के सहारे अधा प्रवर्तकरण करके अपूर्व करण गुण स्थान में पहुंच गए। इस गुण स्थान में किसी भी कर्म प्रकृति का क्षय संभव नहीं हुआ, किंतु वृत्तिंगत अनंत गुणी विशुद्धि के प्रभाव से कर्म प्रकृतियों के क्षय हेतु चार कार्य हुए, गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात और अनुभाव कांडक घात। इन चार उपक्रमों के फलस्वरूप परिणामों की विशद्रस्ता समाप्ति रूप अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में प्रवेश किया। इस गुण स्थान के संख्यात बहु का भाग काल को अपूर्व काल के सदृशी व्यतीत किया। शेष संख्यात भाग में दर्शनावरण की तीन निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला एवं स्थान कृति नाम कर्म की 13 सूक्ष्म साधारण उद्योत आतप 1 से 4 इंद्रिय जातियां नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुपूर्वी एवं स्थावर कुल 16 कर्म प्रकृतियों का क्षय संभव हुआ। अंतर्मुहूर्त कालक्रम से चारित्र मोहिनी की अप्रत्याख्यानावरण एवं प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोक की प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग को संज्वलन कषायों में संक्रमित कर परमुख से क्षय किया। स्त्री वेद और नपुंसक वेद के द्रव्य को पुरुष वेद के द्रव्य में देकर इन्हें भी क्षय कर दिया। सवेद भाग के द्विचरण समय में पुरुष वेद के पुरातन सत्ता स्थित सत्व के साथ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा का द्रव्य संजुलन क्रोध के द्रव्य में क्षेपण कर उनका भी क्षय कर दिया। तदनंतर क्रोध संजुलन को मान में, मान के द्रव्य को माया में और माया के द्रव्य को लोभ संजुलन में संक्रमित कर संजुलन क्रोध मान माया का क्षय कर दिया तथा बादल कृष्टियों के द्वारा संजुलन लोभ को भी क्रश किया। बादल कृष्टियों के पश्चात सूक्ष्म कृष्ट रूप लोभ का वेदन करते हुए 10वें सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में प्रवेश किया एवं यहीं से सूक्ष्म सांप्राय संयम के धनी हो गए। इस गुण स्थान के अंतिम समय में संजुलन की सूक्ष्म लोभ कृष्टि का क्षय करते हुए 12वें क्षीण कषाय गुण स्थान में पहुंचे। साथी से अप्रमत्त से सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान तक कर्मों की विखंडना एवं अनंत गुणी आत्मविशुद्धि के सारे उद्यम धर्म ध्यान के चतुर्थ चरण संस्थान विचय के अवलंबन से संभव हुए। क्षीण कषाय गुण स्थान में शुक्ल ध्यान के प्रथम चरण पृथकत्व वितर्क विचार के सहारे स्थिरता प्राप्त की। द्वितीय पद एकत्व वितर्क विचार एवं यथाख्यात चारित्र के बल से द्विचरण समय में निद्रा एवं प्रचला दो प्रकृतियों को नष्ट कर दिया। इसी गुण स्थान के चरम समय में ज्ञानावरण की 5 दर्शनावरण की 4 एवं अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियों का क्षय कर दिया। नरक तिर्यंच एवं देव आयोजन्य सत्व के अभाव में तथा 60 प्रकृतियों के क्षय से 13वां गुण स्थान प्राप्त किया। आत्मा के अविनाभावी अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत वीर और अनंत सुख रूप अनंत चतुष्टय के अधिपति तीर्थंकर हो गए। लोक एवं अलोक के समस्त चराचर पदार्थों को युगपत देखने और जानने की सामर्थ्यता प्रकट हो गई। केवल ज्ञान की प्रभुता से श्री जिनेन्द्र भूमि से 5000 धनुष ऊपर उठ गए। कुबेर द्वारा रचित समवसरण के ठीक मध्य त्रयपीठ पर प्रभु विराजित 12 सभाओं से सुशोभित हो रहे। पुण्य प्रभाव और योग से तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिरने लगी। संपूर्ण जगत ने इस महा अतिशय पुण्य वाणी का लाभ प्राप्त किया। समय बीता, तीर्थंकर महाप्रभु समेत शिखर के शीर्ष पर पहुंच गए। योग निरोध करते हुए समुद्घात के प्रभाव में संपूर्ण शेष बचे कर्म को
आयु कर्म के समानांतर करते हुए मात्र 5 लघु अक्षर उच्चारण करते काल में निर्वाण की ओर अग्रसर हो गए। अ ई उ री री। चलो मेरे आत्म प्रदेश जहाँ ऐसे तो का देश जहाँ वो चले गए। ये तो लगे मुझे परदेश वो भी है मेरा देश जहाँ वो चले गए जहाँ वो चले गए। चलो मेरे आत्म प्रदेश जहाँ ऐसे तो का देश जहाँ सिद्धालय के अग्रभाग में जाके विराजमान हो गए। सदैव सदैव के लिए जन्म मरण से मुक्त हो गए। अब वो आत्मा इस धरती पर पुनः नहीं आया। हमारा सौभाग्य है उस महापुरुष के द्वारा प्रवर्तित और प्रदर्शित मार्ग पर परम पूज्य उपाध्याय मुनि गुप्त सागर महाराज जी जैसे संत विचरण कर रही है, उसी मार्ग पर चल रहे हैं। 880,000 वर्ष पूर्व की ये घटना है मुनि सुव्रतनाथ स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन काल के समय की घटना है। उस समय के से लेकर के आज तक जो दिगंबर मुनियों का जो रूप है उसी रूप में आज सर्दी में गर्मी में बरसात में लोक में नग्न दिगंबर अवस्था में भ्रमण करते हुए महाव्रतों का निर्दोष रूप से पालन करते हुए चर्यारत हैं। उनके चरणों में अपन सभी प्रणाम नमोस्तु निवेदन करते हैं। बड़ौत में पंच कल्याणक हुआ बहुत शालीनता से और आनंद के साथ जुड़ा। अब समुद्र में जाते हैं नाव चलती है तो लहरें तो आती है और लहरों में नाव थोड़ा पानी नाव में तो कभी पानी नाव में, लेकिन उपाध्याय श्री जैसा खेवटिया यदि मौजूद हो पतवार उनके हाथ में हो तो झंझावातों में और उछलते हुए पानी की बोछारों में भी नाव पार लग जाती है। पूज्य श्री के चरणों में सविनय नमोस्तु निवेदन करूंगा। उनकी कृपा बड़ौत के भक्तों पर बहुत है। आपने देखा होगा कभी कभी महाराज श्री तेज लगते लेकिन ये संत हैं हमें दिखता है लेकिन सुधारने के लिए सब कुछ हथेड़े का उपयोग करना। पूज्य श्री बहुत कृपा निधान है बहुत सरल सहज और गुणी है और ये जो प्रतिष्ठा निर्विघ्न और प्रभावना के साथ संपन्न हुई है उसमें मात्र एक ही कारण है पूज्य श्री समय से पहले यहाँ पधारे पहले पंचों की प्रतिष्ठा की
और उसके बाद में पंच कल्याण प्रतिष्ठा की। मैं संगस्त दीदी को भी वंदना में निवेदन करूंगा, दोनों दीदियों ने कृपा रखते हुए सभी को मार्गदर्शन दिया, हम सबको हिम्मत हौसला दिया, शुभकामनाएं दी और उस बदौलत ये पंच कल्याण किया हो गया। आयोजक सभी, कुछ ज्ञात कुछ अज्ञात, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। राजकुमार जी मुन्नू भाई, हमको तो दिखे ही नहीं, आत्माएं काम में लगी रही, शरीर में कई तरह की शक्तियां हैं, कुछ ज्ञात रूप काम करती है, कुछ अज्ञात रूप करती है। मैं पूरे बड़ौदवासियों को बधाई देऊंगा, डॉक्टर साहब का भी शुभकामनाएं लेऊंगा, इन्होंने भी मुझे बहुत हिम्मत दिया। मैं परम पूज्य श्री के चरणों में प्रार्थना निवेदन कर रहा हूँ कि इस अवसर पर हम सभी को गीत संगीत के साथ और आत्मक ध्वनि के साथ आशीर्वाद प्रदान करेंगे, आप सब विराजेंगे, बहुत अच्छा। सिद्धेभ्यः ॐ नमः, सिद्धेभ्यः ॐ नमः, सिद्धेभ्यः नट्ठट्टकम्म बन्धा अट महागुण सम्मण्या परमा लोय गिठदानिच्चा सिंधाते एरिसा होंती। जिन्होंने अष्ट कर्मों का बंध नष्ट कर दिया है, जो आठ महागुणों से सहित हैं, उत्कृष्ट हैं, लोक के अग्रभाग में स्थित हैं तथा नित्य हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्टि जयवंत हों। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, मोक्ष कल्याण की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, गुप्त सागर जी महाराज की। धर्म स्नेह बंधुओं, सम्यक मई भावी आत्माओं, आज हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, वह इसलिए महामना मुनि सुव्रत का तीर्थ अभी हम सबके मन प्राणों को ऊर्जा प्रदान कर रहा था, जीने के लिए श्वासें पवित्रतम उपलब्ध हो रही थी, हमारे हौसले उन्हें देख के बुलंद थे। हम पासों उछल रहे थे, सोचते थे मुझे किसी प्रकार का लोक में अब कोई भय नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर मुनि सुव्रत भगवान है और उनके होने के कारण से हमारा मन प्रफुल्लित था, आनंदित था, अपार खुशियां थी। उनकी दिव्य देशना हमारे जीवन को प्रभावित कर रही थी, उनकी देशना से राग द्वेष मरुथल में छलांगे लगाते हुए दूर जा रहे थे। उन महापुरुष मुमिषुभत के होने से हमारा नहीं प्राणी मात्र का हौसला बढ़ा हुआ था, लोक में विख्यात है। जब किसी परिवार में कोई वरिष्ठ व्यक्ति मौजूद हो तो किसी आदमी को भय नहीं लगता है, सब कुछ ठीक ही होगा,
और आज तक मुनि सुब्रत के कारण से धरती पर कोई आदमी संतरस्त नहीं था। मन प्रसन्न था, अनेक खुशियां थी, लेकिन उन्होंने संसार के सब कर्मों को सूचित करते हुए मुक्ति के पथ पर प्रयाण करने का जो उपक्रम रचा, उससे संसारी प्राणी सोचता है कि अब मुझे कौन हस्तावलंबन देगा। सच है, हमको बोलते हैं भगवान अच्छे लगते हैं, मौन भगवान अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए अरिहंतों को पहले प्रणाम करते हैं आप स्वार्थी जन, सिद्धों को बाद में नमस्कार करते हैं। अब सिद्ध परमेष्टि हमें दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे, जब तक अरहंत निर्जर कूट संबे शिखर पर विराजमान थे, तब तक व्यक्तियों के मन में था कि अभी तो कम से कम ध्यान में संलग्न है, दर्शन तो हो ही रहा है। लेकिन जैसे उन्होंने कर्मों को पटकनी दी, एक ही झटके में कर्मों को गिराया, ऐसा ताकतवर वही व्यक्ति हो सकता है जिसके अनंत बल भीतर छुपा हुआ हो। हम सबके भीतर वह अनंत बल छुपा हुआ है, लेकिन हम कमजोर हैं। मोहिनी के बादल इस तरह चारों ओर से घेर कर आच्छादित कर दिए हैं कि आदमी के हौसले ही पस्त पड़े हुए। छोटा सा त्याग करने के लिए हौसला भी आदमी बुलंद नहीं कर पा रहा है। इतना बड़ा हौसला मोक्ष प्राप्त करने का केवल महापुरुष को ही हो सकता है। अन्य किसी व्यक्ति का इतना जुझारू उद्यम भी नहीं है, इतना विशाल प्रसार भी नहीं है, इतना बड़ा सोच भी नहीं है, इतनी बड़ी संपत्ति भी नहीं है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे उदात्त महाव्रतों को धारण कर जीवन भर के लिए मौन साध लेते हैं। यहां पर एक पल मौन रहने के लिए संकेत किया जाए तो मन विचलित हो जाता है। मौन ये तो मुनियों के लिए है, मौन हम अबलाओं के लिए और दीन वर्षों के लिए नहीं है। इतना कमजोर इंसान मोक्ष की सीढ़ी पर कैसे डग भर सकता है। सभ्य दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र और मोक्ष तीनों को छूने के लिए आइए, थोड़ी सी तो कोशिश कर ही लीजिए। कल आप कम से कम गाजर और टिकिया से बचने की कोशिश किए हैं, आज आपका नाम सिद्धों की श्रेणी में कहीं टिक हो जाए तो कितना बड़ा पुरुषार्थ होगा। जब कभी भी आपको हौसला करना होगा, पहली बार में ही होगा। लोग धीरे धीरे सोचते हम त्याग के पथ पर चले, लेकिन धीरे धीरे चलने वाला आदमी बुराइयों से पूरी तरह अपने को बचा नहीं पाता है। जो आत्मा पहले संसार अवस्था में इंद्रिय जनित बाधा सहित पराधीन और मूर्ति सुख का अनुभव करता है, अब वही चिद आत्मा मुक्त अवस्था में सर्वज्ञ और सर्वर्षी होकर अनंत अव्यवाद स्वाधीन और अमूर्तिक सुख का अनुभव करता है। महामुनि मुनि सुब्रत अपनी साधना के बल पर केवल ज्ञान को प्राप्त हुए थे, तदनंतर उन्होंने और भी कर्मों के साथ जग छेड़ी। कहीं किसी कोने में एक भी दुश्मन नजर आया, उन्होंने अलाउड एक भी नहीं होना चाहिए, सर्व कर्म विप्रमोक्षो लोक्षा।
सारे कर्मों को जिस क्षण गिराया उसी क्षण निर्जल कूट से वह अपने लक्ष्य को साध दे दिया। जय बोलिए महामाना निर्सुब्रत भगवान की। धर्म स्नेह बंधुओं, एक और कमाल की बात आपको जानने की जरूरत है। काले कल्प सते पीछा महामुनि निर्सुब्रत अपने लक्ष्य को साध चुके हैं और लक्ष्य को साधने के बाद काले कल्प सते पीछा करोड़ों कल्प काल भी बीत जाए तो भी अब मुनि सुब्रत के सुख में कोई फर्क नहीं आने वाला है। लक्ष्य को साध लिया, साधना पूर्ण हो गई, अब वापस लौट करके नहीं आना है। महानुभाव, आप तो संसार में आकर के जाने की तैयारी में लगे हैं। जो खलु संसार तो जीवो तत्तो दो होद परिणामो, परिणाम आदो कम्मम कम्मादो होद गति सुगति, गति मदि गदस्त देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, ते हिम दुख विश्य दहनम तत्तो रागो वतो सोभा। जायति जीवन सेवन भावो संसार चक्कवा लंबी, इति जन वरेणी भणियो अनादि दिदृणो सन दृढ़ो वाह। यह आपका संसार दिखलाई देता, यह जो संसारी जीव है उसके राग द्वेष आदि असोभाव होते हैं, उनसे ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों का प्रबंध होता है और इन कर्मों के प्रबंध से एक गति से दूसरी गति में छलांग भरता रहता है। गति को प्राप्त हुए जीवों के औदारिक आदि शरीर मिलता है, शरीर मिलने के साथ इंद्रियां मिलती हैं और इंद्रियों के मिलते ही उनके विषय उपलब्ध होने पर वह उन विषयों को देख करके राग द्वेष करता है। महानुभाव, संसार रूप चक्र में परिभ्रमण करने वाले ऐसे अशुद्ध भाव अभव्य की अपेक्षा अनादि अनंत है और भव्य की अपेक्षा अनादि शांत है। संसार कम करने के लिए क्या हम आज ही पुरुषार्थ कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो अपने मोह के लिए दम से गिरा लीजिए, बड़ा खतरनाक मोह है। देखो बाल कीड़ा में देख रहे थे, छोटा बच्चा आया छलांग भरी लेकिन बड़ा आया उसको गिरा दिया। आप में से कोई ऐसा बड़ा आदमी है जो मोहिनी कर्म को गिराने के लिए कटिबद्ध हो सकता है? कितने सारे लोग मंचस्थ हैं, कितने सारे लोग ऑडियंस बने हुए हैं, कितने चेयर्स पर बैठे सोफा पर तैयार हैं। सब लोग सावधानी के साथ देख रहे हैं, यदि कर्फ्यू लग गया तो भागी दूंगा पीछे के पीछे, एक भी न बचूंगा। कोई मंडी की गली में घुसेगा तो कोई शहर की ओर जाएगा तो कोई नहर की ओर जाएगा, एक भी आदमी रुकने को तैयार नहीं। महाप्रभु मुनि सुब्रत बस कर्फ्यू की बिल आ गई, वो चुपचाप चले गए। अब तो कोई भी इस पंडाल में रहने वाला नहीं है, एक एक करके अपनी अपनी कार में यान में बैठ करके चले जाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है, संसार बहुत ही डरावना है, कभी तो इससे बचने का पुरुषार्थ कर लीजिए। हे भव्य आत्माओं, क्या आपको ये संसार बहुत ही प्रिय लगता है? क्या कितना सुंदर लगता है, कितना आनंदित होता है आपका मन इस संसार में रहते हुए? कितने वर्ष बीत गए आपके लिए, कितने वर्ष बीत गए? एक आदमी कहता है कितना सहूं, जिंदगी निकल गई सहते सहते सहते, अब कितना सहूं। कहते हैं ना, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ जाए तो कहते प्राण ही ले लिए सर्दी ने,
लेकिन आपने नहीं सोचा सर्दी गर्मी तो मौसम है, ये मन की प्रवृत्ति है। जो पुरुष पुरुषार्थ करता है वही परमेश्वरों की पंक्ति में आता है। सिद्ध भगवान बहुत ही पुरुषार्थी थे, उन्होंने अपने सारे कर्मों को परास्त करने के लिए कायोत्सर्ग किया, काय और कषायों का पूरी तरह से निरसन किया। काय के प्रति जरा भी मोह नहीं, और कसायों को ऐसा उन्होंने ऐसा गिराया कि क्रोध मान माया उनकी तरफ झांकने को तैयार नहीं हो सकी थी। नमः सिद्धेभ्यः, यह हैसियत उन्हीं की थी। मैं ऐसे सिद्धों को नमस्कार करता हूं जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र से युक्त हैं, आठ प्रकार के कर्मों से सर्वथा रहित हो गए हैं, आठ गुणों से सहित हैं, ऊर्ध्व लोक के अग्रभाग पर स्थित हैं, नए से सिद्ध हैं, संयम से सिद्ध हैं, अतीत अनागत वर्तमान काल संबंधी ऐसे सिद्ध हैं। ऐसे समस्त सिद्धों को मैं नित्य काल अर्चना करता हूँ, पूजन करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ऐसे सिद्ध भगवंत मुनिशुभ्रत मेरे दुखों का क्षय हो। हे मुनिशुभ्रत भगवंत मेरे कर्मों का क्षय हो। हे भगवान मुनिशुभ्रत रत्नत्रय की प्राप्ति हो। हे भगवंत मेरा सुगति में गमन हो। हे भगवान समाधि मरण हो और मुझे आप जैसे गुणों की प्राप्ति हो। आप तो गए लेकिन जो गुण आपके भीतर उपलब्ध हो गए हैं वो गुण मेरे अंदर भी आए। हे भगवान आपके पांचों कल्याणक पूर्ण हो गए, मेरा कम से कम कल्याण का वक्त आए। तो कहते हैं अपने आचरण को शुद्ध करने की कोशिश कर लो। आचरण तुम्हारा शुद्ध नहीं कल्याण तुम्हारा कैसे हो। अपने भीतर बैठी हुई कसाएं जैसे आज पांच छह दिन से आपने ठंडी कर रखी है, महानुभाव अपनी कसायों को ऐसा ही ठंडा करके चलना। कैसे चलना? अब चश्मे से देखना ही पड़ेगा। आय हाय हाय कैसे चलना? जैसे पांच छह दिन से आप अपनी कसायों को ठंडा करके रखा है ऐसा ही चलोगे ना? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? क्यों भैया, मुझे वाले भैया पीछे से एक दूसरा नंबर, आप तो ऐसे बैठे जैसे किसी सरोवर में आपको बिठा दिया गया हो। हिल भी नहीं रहे, डुल भी नहीं रहे। कैसे चलना हमारे लिए जैसे अब तक कषायों को मंद करके रखा है? कषायों की मंदता ही हमारे ज्ञानावरणी कर्मों को धक्का मार के हमारे ज्ञान का विकास करते। अज्ञानी हो तो भी ज्ञानी हो जाता है, भगवान तो महाज्ञानी हो गए। आप भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? चाहती तो है। तो ऐसे ही शांत रहना। देखो जितने शांत रहेंगे उतना ही जीवन स्वस्थ होगा। बीपी हाई उसी का होता है जिसके अंदर पवन बहती है। 84 प्रकार की वायु होती है और ऐसी वायु बह जाए तो भीतर बीपी हाई हो जाता है और आदमी के खत्म होने की संभावना नजर आने लग जाती है। आप 100 वर्ष जिए, 125 वर्ष जिए, 250 वर्ष जिए, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के साथ जिए, यह मेरे जीवन में बहुत ही अच्छा क्षण होगा कि आप संयम के साथ जिए। आज पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बहुत ही शालीनता के साथ बहुत ही आनंद पूर्वक संपन्न हुआ है और ऐसे महाकल्याणकों में आप सबने
शाति से पुनर्जन्म किया है। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं। अब शाति से पुनः अर्जन करके अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं वह पंडित जी सामने कहा कि बधाई के पात्र है। आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। जैसी विशुद्धि, जैसी निर्मलता, जैसी शालीनता के साथ आपने बड़ौद में पंच कल्याण करके भगवान मुनि सुकृत के लिए स्थापित करने का बीड़ा उठाया था। धर्मानुरागी श्री हेमचंद जैन के सुपुत्र अतुल जैन जी और उनके छोटे भाई अनुज जैन जी, इन्होंने अपनी माँ के अनुसार भगवान मुनि सुब्रत की स्थापना की है। मैं चाहता हूँ जैसे आपके भाव उत्तम हुए ऐसे और भी भाई बहनों के अच्छे भाव होना चाहिए। हरिशयन चक्रवर्ती की माँ के अनुसार हरिशयन चक्रवर्ती ने धरती पर मंदिरों के खचाखच स्थान बना दिए। आपने एक मंदिर की स्थापना की है, बहुत सारे लोग पुण्य कार्यन करेंगे। अतुल भाई कहीं पर हो, अतुल जी थे ना, निकल गए, एक बार खड़े हो जाइए मेरे कहने पर और वही बिठा देंगे, आप चिंता नहीं करना, कोई माला नहीं पहनाएंगे, ये माला से डर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा संकल्प उठाया था, आज वह पूर्ण होने को जा रहा है। इनको मैं दोनों हाथ से आशीर्वाद देता हूं। और मैं मिस्टर काले भाई अजय काला को भी आशीर्वाद देता हूं कि आपने मंदिर बनने तक का अन्न का त्याग किया था। काले भाई हैं क्या? अतुल भाई आए हैं और इनके अनुज छोटे भाई भी हैं, एक बार आ जाएं। आप दोनों की भावनाओं ने बड़ौद में एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा आदर्श कायम किया है। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। बड़ौद ना आने का मन होते हुए बड़ौद में आने से बहुत ही बड़ा सुंदर काम हुआ है। आप धनवान लोग हैं, पैसे कहाँ ले जाएंगे? यदि पैसे का उपयोग मंदिर में, चैत्यों में, चैत्यालयों में करते हैं तो आपकी संपत्ति सार्थक है, और अन्य कार्यों में करते हैं तो यहीं की धरी रह जाती है। मैं इनके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूं, ऐसी उत्तम भावनाएं बनी रहें, किसी भी रूप में आप अपने जीवन को उच्च श्रेष्ठ बनाइए, उच्च बनाइए। और मैं सकल जैन समाज बड़ौद को भी आशीर्वाद देता हूं और आचार्य धर्मसागर नशिया प्रबंध कमेटी को भी आशीर्वाद देता हूं कि आप सब लोग अच्छे भाव रख रहे थे, मेरा मन बन गया और पंडित हसमुख जी ने आपके लिए उद्बुद्ध किया, हसमुख जी आपको हनुमान बन गए और मेरे तक पहुंचा दिया, मैं आ गया। वास्तव में यहां प्रतिष्ठा कराना लोहे के चने थे, मेरा भजन कम हो गया। पंडित जी आप समझो ना समझो, लेकिन मैं समझता हूं कितना कठिन काम है। एक छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े आदमी तो को समझा के मैं थक लिया। मेरे गुरुजी होते कमंडल पीछे लेके चले जाते। एक रोज मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है, पर मुझे फिर पुनः विचार आया कि 18,500 वर्ष तक इस धर्म को लेके जाना है। यदि अबोध ज्ञानी जनों को हम बराकों को हम ही तो समझाएंगे, हम ही तो क्षमा करेंगे, कोई बच्चा गिर रहा है और हम ना उठाएं तो धर्म कैसे चलेगा? लोग नाराज होके चले जाएंगे, पर मैं नाराज नहीं होऊंगा, अभी नहीं, कभी नहीं। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते, स्थितिकरण, जब बच्चा गिराएगा तो माँ उठाने की योग होगी,
बच्चा करेगा नहीं तो क्या समदर्शन संभालेगा? पंडित साहब आए हैं, अभी हवाई जहाज उड़ जाएंगे, ये बच्चे गिरे तो उठाओ जी, इन कुचले हुए मसले हुए फूलों को खिलाना होगा। शर्त यह है इन्हें सीने से लगाना होगा। कौन खराब है? कोई भी खराब नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है। बुरा है तो हमारा मन ही तो बुरा है। इस मन ने बहुत कुछ चाहा था, इस मन को वो नहीं मिलता तो सोचता है सब कुछ बुरा है, और मिल जाता है तो सब कुछ कैसा है? अच्छा है। हम सब कुछ अच्छा अच्छा देखें, सबके मंगल की कामना करें, सबके विकास के संबंध में सोचें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में जिन जिन लोगों ने सम्मिलित होकर योगदान दिया है उन सबके मंगल की कामना करता हूं, और ब्रह्मचारिणी रंजना को भी आशीर्वाद इसलिए देता हूं कि हमारी चर्या में ध्यान देने वाले आप लोग 15 दिन तक रहे लेकिन पेट में दर्द होने लग गया। हमें सादा भोजन करना है और आप जवाई वाला खाना खिलाना चाहते हैं। भूतों ने हमेशा की दाल रोटी खा के पेट में जानती रहती है, लेकिन आप तो जैसे आदिनाथ भगवान को थाल भर भर के ले जाते थे ऐसे सजा सजा करके लेके आते हैं, वो मुझे बिल्कुल माफ भी नहीं बैठते। तो भी आपसे कहना चाहता हूं, डर के कारण बोलते नहीं थी, लेकिन काले की मां को धीरे धीरे समझा के सारा प्रबंध बहुत ठंडे से हो गया। मैं आप सभी माताओं से कहता हूं जब मोदी महाराज आए तो उनकी उम्र को देख करके चरिया में लगने की कोशिश करना, ताकि उनका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तो धर्म के दो शब्द आपको मिलते रहेंगे। ब्रह्मचारिणी सुमन शास्त्री भी इस बीच आई थी प्रतिष्ठा के नेक्स्ट डे, और वो इंदौर गए हुए हैं गुरुवर के चरणों में वंदना करने के लिए। उन्होंने भी अपने भावों को बहुत निर्बलता प्रदान करते हुए, स्वास्थ्य कमजोर अलबत्ता है परंतु साइलेंट होकर के आप सबके लिए प्रोत्साहित किया है, और हमारे ही गढ़ कक्ष की दो आरिका माताएं उत्तर प्रदेश में आपके विचरण कर रही हैं, उन लोगों ने भी आपके अंतरंग मन को प्रबुद्ध करने के लिए कहीं ना कहीं तो शक्ल दी है, सूरत दी है। पर यह आदमी समझता है कि रागी से भी रागी कीमतदार होता है, संसारी से मुक्त आदमी कीमतदार होता है। जो आदमी घर छोड़ के संन्यास ले लेता है और कहीं ना कहीं तो आपको आदर्श लगता ही होगा। इसलिए मैं चतुर्भुज संघ के तमाम श्रावक श्राविकाओं को ऋषि मुनियों को अपनी ओर से पूरा आशीर्वाद देता हूं, और डॉक्टर अंत में श्रेयांश जी को आशीर्वाद देता हूं। डॉक्टर श्रेयांश जी पूरे दिनों यहां पर अपने भक्ति भाव से इस प्रतिष्ठा में उपस्थित रहे, इन्होंने बहुत ही अच्छी भावना के साथ अंजाम देने का प्रयास किया है, इनके बहुत बहुत मंगल की कामना करता हूं। और जो लोग इस पंडाल में नहीं आ पाए, पंडाल के बाहरी व्यवस्थाओं में लगे रहे, जिनको पंडित जी भी कुछ कुछ नाम लेके पुकार रहे थे, व्यवस्थाओं में लगे, मुन्नू और दूसरा क्या नाम बताया, राजू व्यवस्थाओं में लगे रहे। भाई व्यवस्था करते करते तो उम्र निकल जाएगी, एक बार अपनी व्यवस्था भी करना जरूरी है। हमें अपने जीवन को साधना है, सभी लोग मोक्ष कल्याणक के दिन यही
अपने जीवन का उद्देश्य बनाए, जैसे प्रभु गर्भ जन्म तप ज्ञान और अंतिम मोक्ष कल्याणक करके अपने जीवन को साध लेते हैं, वैसे ही सभी लोगों के लिए अपने लक्ष्य को साधने का प्रयत्न करना है। मैं विराम लेना चाहता हूं और हमारा एक सांसों को स्वर देने वाला भक्त है, वो अलवत्ता कम वक्त है पर काम बहुत अच्छा करता है। कई जगह व्यस्त होने के कारण समय से पहले नहीं आ पाता, लेकिन भोजन में जो स्वर देता है उसमें जान आ जाती है। बहुत सारे संगीतकार हैं, लेकिन संगीत में भी जान होती है। राम कुमार को भी आशीर्वाद देता हूं, ये पंडित जी के हसमुख जी के ऐसे अनंत भक्त हैं, मेरे तो होंगे बात के, पंडित जी साहब तो प्रतिष्ठा में अग्रणी है और ये बहुत ही तरुण है पुष्प जी। इनको पुष्प जी इसलिए कह रहा हूं, पुष्प का मतलब सुमन होता है, उसमें खुशबू होती है। हसमुख जी बहुत सुगंध है, इसलिए मैंने आपको पुष्प संज्ञा से आज, और क्या उपमा दूं, मैंने कार्ड में एक शब्द प्रयोग किया है, मनोज्ञ प्रतिष्ठाचारी। बहुत प्रतिष्ठाचारी हैं पर ये मनोज्ञ प्रतिष्ठाचारी हैं, सब लोग इनके लिए तहे दिल पसंद करने लगे हैं, करना भी चाहिए। छोटी मोटी कोई त्रुटियां रह जाएं तो ध्यान मत देना, अच्छे कामों की ओर हमेशा दृष्टि बात करना, गिलास भरा हुआ हो खाली की ओर मत देखना। भीड़ में से गिलास छलक जाता है, घड़ा खाली हो जाता है, लेकिन आप भरे की ओर चाहिए तो ये पंच कल्याणक जितना सुंदर हुआ है, शायद पिछले वर्षों में ऐसा नहीं हुआ होगा। सच है ना, ये निष्पक्ष बोल दो, अच्छा बहुत ही सुंदर हो गया है। इससे सुंदर करने के लिए और भी अच्छे भाव जगाना, हमारे यही जीवन सार्थक करने वाला है। और आज समापन सत्र में भारतीय जनता पार्टी के बृजन गुप्ता जी, जो दिल्ली से विपक्ष के नेता हैं, आज यहाँ समापन सत्र में आप सबके स्नेह को लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं इनके मंगल की कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि आप भी अपना मंगल, अपनी उन्नति करते हुए देश और समाज को आगे ले जाने का पुरुषार्थ कीजिए। जय बोलिए महामना मुनि सुब्रत भगवान की। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री महाराज की। सौधारी मंदिर आपका काम समाप्त हो गया हो ऐसी कोई बात नहीं है, अभी आपके लिए भगवान के चरणों में और भी आगे जीवन बिताना है। मैंने पूरे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में सौधारी मंदिर को इतना साइलेंट देखा है, इतना और प्रतिष्ठाओं में नहीं देखा। सौधर्म उछलता कूदता हाथ मरता, कौन क्या करता सबको देखता रहता है, और ये बहुत ठंडे मन से सौधर्म का जो रूप किया है, मसीहा के अध्यक्ष होते हुए भी बहुत विचार पूर्वक, आप माने ना माने पर ऐसा ठंडा आदमी आपको मिलना मुश्किल है, सब तरह के लोग होते हैं,
लेकिन सब तरह के घूट पीते हुए कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए कार्यकर्ता को इतना ही मौन रहने की जरूरत होती है। इनके लिए बहुत ही आशीर्वाद देता हूँ। बर्दा हमारा पंचकल्याणक बहुत ठंडा होने वाला था, क्या समझे आप? गर्मी पर चोट मारने वाला आदमी नहीं था उस दिन जब बोली का प्रश्न प्रसंग उठ गया था। लोगों ने कहा प्रोग्राम फेल हो जाएगा, पर मेरे पास 15-20 नाम थे जिनमें से सभी ने कहा कि आप चिंता मत करना, प्रोग्राम सक्सेस करेंगे, डोनेशन आए ना आए। पर यहां कुछ मंचस्थ लोगों ने कहा कि मैं उसको पूरा करने को तैयार हूं। मैं उनके लिए आशीर्वाद देता हूं। एक तो जो आपके कॉलेज के डीके जैन थे, अमित था, पंकज जी थे, ऐसे कितने लोग, मेरे पास एक पूरी पर्ची है जिन्होंने साक्षी पूर्वक काले भैया और कौन था राजकुमार जी, काफी लोग थे, उन सब ने इस कार्यक्रम को हौसला बढ़ाने की कोशिश की है। और मैं चाहता हूँ इन सब का जीवन मंगलमय व्यतीत हो। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे जाते वक्त अब रोकना मत, ठीक है? नहीं तो भारी भारी लोग जंगे छेड़ने लग जाए। आप सब लोग खुश रहिएगा, अपने मन को पवित्र रखिएगा। इन्हीं के साथ आप सबके मंगल की कामना। श्री गुप्ती सागर जी महाराज की व्यवधान बनते हुए हमारे बीच दिल्ली से बीजेपी विधायक विपक्ष के नेता आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी बता रहे हैं। आचार्य श्री 108 सागर जी नरसिंह कमेटी का स्वागत करती है, बहुमान करती है। और मैं निवेदन करता हूँ स्वागत सुनेंगे सुदेश जी से, राकेश जी से, डीके जैन जी से, वीरेंद्र भाई, संदीप जी आदि, मोहन जी, सभी लोग आए दिल्ली से पधारे हमारे सम्मान्य विधायक जी का स्वागत सम्मान। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कीजिएगा। मेरा मन कहता है विजेंद्र गुप्ता सी दिल्ली से विजित होकर के मुख्यमंत्री की हैसियत रखते हैं, और मेरे अंदाज में यदि कुछ अच्छा होता है तो नरेंद्र मोदी इनको प्रपोज के बिना रहेंगे नहीं। सर,
आदरणीय विधायक जी के साथ जितने लोग पधारे आइएगा, कमेटी सभी का स्वागत सम्मान कर रही है। पूज्य गुरुदेव से आदरणीय विधायक जी को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है मंगल कलश के रूप में। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य उपाध्याय गुरुवर। हेलो, मेरा आदरणीय विधायक जी के साथ जितने भी लोग पधारे हैं उन सभी से निवेदन, आइएगा, कमेटी की तरफ सभी का स्वागत सम्मान है। आइए भाइयों, हम चलते हैं पंच कल्याण पूर्णतः निर्विघ्न समाप्त हुआ है। एक बार तालियां तो बजाओ बाबा। निर्विघ्न मैं कहूंगा, निर्विघ्न में भी विघ्न छुपा हुआ है। अरे अपना पंच कल्याण तो सानंद संपन्न हुआ है, आनंद के साथ संपन्न हुआ है। पंच कल्याणकों में इंद्रदारियों ने पूजा की, आप शोधन इंद्र बने, आप कुबेर बने, लेकिन यहां से बैठकर आपने पुण्य कमाया। यहां वेदी पर आपने देखी होगी पंडित जी साहब ने इतनी आहुति दी, पंडित जी साहब आप सबने मिलकर इतने मंत्र किए, इतने जाप किए, उस मंगल कलश को वहां रखा हुआ कलश जो तंत्र मंत्र से युक्त है वह आपके किसी एक के घर जाएगा। चांदी का कलश है, कौन वो सौभाग्यशाली है जो आज इस कलश को प्रतिष्ठा के मंडप से अपने घर ले जाएगा, उस पर उसके यहाँ कभी लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होगी। घटाए तो क्या इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं, आगे आगे से दुर्बल मेरे, अपने दुर्बल के पीछे हूँ मैं, इनने थामा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है। मुक्ति सागर मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। और मेरा एक मन और है कि भगवान मुनि सुब्रत आज अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, आप उनके चरणों में अधिकतम वंदना नमस्तु पूजन करने के लिए जाने कम में भाव जगाएं। धर्मसागर नसिया जी आश्रम के जितने भी पुजारीगण हैं सभी आ जाए, सभी उनका सम्मान कर रही है। आइए सीखता आइएगा, हारे भाई भी आओ, जल्दी आइए। श्री धनपाल जी, संयुक्त सचिव श्री धर्मेंद्र कुमार, प्रबंधक राजकुमार जी और जो भी लोग होलिंग कमेटी से यहाँ उपस्थित है, कृपया वो भी आए और सम्मान स्वीकार करें। केला बीच में आया है, इसको तो आप जानते ही होंगे, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ये जो कमेटी पूरी दिगंबर जैन कॉलेज प्रबंध कमेटी का स्वागत करती है, बहुमान करती है, सम्मान करती है। और इसका प्रणाम घोड़ी पूजा की आइएगा। बोलिए सर, प्रणाम जी। बोले सर, शुभ गर्भ जन्म सुतत सुदेव घोष गुण से सहित देश में कल्याण मानी, सुर सुर से महित ने जन्म जन्म विधि पुण्य से द्रव्य अर्पु यहाँ पे
बने मोक्ष की सिद्धि सौ की जहां में और मोक्ष कल्याण प्राप्त है स्वादी विराम के भी मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामी थी नहीं पाप बांधू नहीं दुख भोगू चढ़ाऊ सभी रथ निर्बंध हो लो मोक्ष कल्याण प्राप्त है श्री स्वादी विराम के भी नमः अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामी थी मोक्षोत्सव तिथि सहित मैं पूजूं जिनराज तीर्थंकर चौबीस ही भोजन तरण जमा चेत सुधी षष्ठी के दिना संभव अघात नाश हुए शिव निरंजना संसार शोक दुख भरा मन मोक्ष शोक एक बगला भाई एक बगला दुख नाश ने ओम इत्ये सुख सुखा सष्टम्यां मोक्ष कड़क वापसी संभावना जिन्हें दल जीवामी अभिनंदन पेशांग से ता छठी शिव गए अरे कौन पाप की सोहा सिद्ध चेत के हासी को सब जो इन नाम के हुए अभी हाँ आइए ओम नित्य कृष्णा ये कर सुमिया मोक्ष कलक भक्ति सुमति राज जिनी दरवाजा दिए गौहाने आगम चतुर्दशी अज समेद शिखर से मरनाथ पद्म प्रभु जिन लोकांत में बसे पूर्व मोक्ष कल्याण प्राप्ताय पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामिति फाल्गुन सुकृष्ण सप्तमी समेत शिखर से प्रभु अष्टम प्रभु मोक्ष सो पार्श्व जिन बसे दुखदामी गोदय अष्टमी भू आपने कही निकले वहां से अष्टम्यो भूमि तुम लही ओई फाल्गुन कृष्ण सप्तमी मोक्ष का पात्री हरि प्रथम तीर्थंकरों में पूजा करूं नमन करूं कौमार्य पदों में ओमि भाग का सुखला चतुर्दशम मोक्ष कर प्राप्ति वास पूज निरंतर राज्य अनुभवी आशा कष्ट अष्टमी जिन विमल भवनी चेत चतुर्थी अनंत आत्मज्ञान से समेत गिर से मोक्ष गए समेत गिर से धर्मनाथ मोक्ष को गए सिद्ध ज्येष्ठ चौदह कर्म नाश सिद्ध हो गए संसार वन में नागी काल से भ्रमे प्रभो छूटे परिभ्रमण अब वह दृष्टि दो शुक्ला चतुर्थिया मोक्ष का वापसी धर्मनाथ जी ने दरवाजा दी अर्घम न पाऊंगे में गए हमको बुलाइए कर्मों को काटने की प्रभु विधि बताइए और जेस कृष्णा चतुर्दशम मोक्ष का पात्री शांति नाथ जी ने दरवाजारी अर्घम ने पाऊं दी और श्री कुंत नाथ परमा वैशाख शुक्ल को गिरिराज से सिद्धीश हुए नमो सकल को संसार छोर ना दिखे कैसे प्रनष्ट हो जिन मल्ले नाथ फाल्गुन सिद्ध पंचमी दिना गिरिराज से शिव खास किया प्रभु महो नाथ भगवान की संसार पार कर गए जिना हम आशिदिये आपसे व्रतों को मांगते कब मोक्ष पाएंगे दुखों से नित्य जानते कृष्ण चौदशी में सात मास में गिरिराज से शिवराज मेरा में आश में समान शील हार धार लो वह मोक्ष सौंप के तप से संसार पार लो ओम नमः सारसित सप्तम्यम मोक्ष कल्याण प्राप्त है नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः ते अजर अमर अव्यय अविनाशी अव्यवाद सुख पाते इंद्र मोक्ष कल्याण को उत्सुक आकर
थे छह से भगवन अष्ट गुणों से पुष्ट हुए शायद दर्शन ज्ञान आपसे आप सिद्ध संतुष्ट हुए रहत जिन देव का हुआ मोक्ष कल्याण जन्म जरा मत दुख रहित मिला अचल सुख था ये भाई ये कहा ये लो ला भैया रचती जिन कल्याण अपने लेफ्ट हैंड से इस प्रकार का परिमार्जन करिए भूमि का उधर बताओ भैया हो मां क्रमी है भाई कुमार देवाय सर्व विघ्न विनाशनाय महि पुत्रम गुरु गुरु हूं भाई स्वाहा हरि जी ने ये सब बोलने बड़ा बड़ा हो मां क्रमी है भाई कुमार देवाय इदम जनम गंधवस्तम पुष्पंजलो दीपं दोपम फल फल सत्यम यज्ञ भागं तेजामय पृथ्वी दाम पृथ्वी दाम हरिकम समर्पयामि चलिए पुष्परी ने बिहार कार्य जगदीश्वर में जल लेंगे जल लेकर के चारों जल का सिंचन करिए जल लीजिए हो मांग करूं नहीं है मैं पुष्परी ने सभी पुष्परों गर्भान न्यारों में जीवित रहना निर्माण पूजा सिद्धा बनाना रुतवा जो बने कुमार देवा तंदुरुस्त सूर्य या भूमा पर जो दीपक रखे हुए हैं सभी अपने अपने दीपक जलाइए हवन कुंड पर जो दीपक है सभी दीपक जलाइए हो मानक्रम जलाइए दीपक सभी हो मानक्रम ने हे बनने कुमार देवाय भूमि ज्वाले ज्वाले हम सम हम खम खम भरत चलिए आगे लीजिए हो मानक्रम ने हे बनने कुमार देवाय अरे हम समर्पयाम दी स्वाहा कुछ मिलेंगे कुछ काम इस सहज से सहज देना होगा भवन प्रभारी अब हम काम में चलाना यज्ञ में भी सबने दिशा में दत्ते शुद्धों के मांझे बोलवार भी हो मां करूंगी हे नाम कुमार देवाय अस्त्रे आगे ची आगे चे सो इस तारी धाना इस तार में हम सभी युद्ध हैं जरका कर से करके ताय हाथ अंगूठे से ईशान कोण में इधर हो मां करूंगी सहजी सहज संगे भ्यो नागे भ्यो स्वाहा हरि जी हो मां करूंगी हे नाम कुमार देव उधर कहाँ है कुमार देव अरे कम समर्पयाम दी स्वाहा हो मां करूंगी हे भूमि देवता अरे कम समर्पयाम दी स्वाहा सभी पुष्प लीजे हो नीचे पृथ्वी रूपायण पुष्पम समर्पयाम दी स्वाहा जल लेंगे जल चढ़ाएंगे जल चंद्र माली आठों द्रव्य चढ़ाइए हो मैं करती बात भाई नाम पर मैं हो ऋषि मेरे जैसे ना जय सारे अमरी स्वाहा लाइए सभी हो मम मम राम 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 अपने विस्थापिया मी स्वाहा पवन जी नमो परमत वाले जहां पर भी हो मंच पे आवे पवन जी चलिए पुष्प लेंगे पुष्पम समर्पयामि स्वाहा आने कट्टी पर चलिए अब एक संदा संदा माने लकड़ी हाँ लकड़ी स्थापन करेंगे एक एक संदा माने लकड़ी हाँ हवन कुंड में संदा संदा स्थापन करिए ओ
की घंटी पर पुष्प का सेवन करेंगे। अमर जी नमो परमात्मा श्री ओम विमंडला प्रभु देवता अमर जी सर्वंडे वेद मंदला दागे सहता वेद मरे प्रभु समेत आई नम मरे नाम विदे पुष्पान दरिं चले राम। आइए अमर कुंड की पहली घंटी पर जो तीन मुख्य कुंड बने हुए हैं धर धर की नगर सामान्य केवली पहले पहली बारी जो देख रहा जो घंटी है उस पर पुष्प का सेवन करेंगे। हाँ नीचे वाली जो करनी है उस पर पहले पुष्प का सेवन करेंगे। आने भाई धर्म जय महाराम जय रेखा पूर्णत गोय भरंदी एकान दुवते पते लो महाप्रभु पद्धति देवता आपके आगे स्वय स्थाने घाट घाटे स्थापना हो महाप्रभु दुवर का देवता बाकी भूख रहेगी सागर रहेगी। आप जब भूख का सेवन करेंगे अपनी अनाम का और मध्यमा अबूजे के द्वारा धूप का सेवन निवारण जाता है नमः ओम निमंत्रण जाता है नमः ओम नि संविधाना है नमः ओम नि मचाए नमः ओम नि मचाए नमः ओम नि मव्यावदा है नमः ओम नि अनंत ज्ञान है नमः ओम नि अनंत दर्शना है नमः ओम नि अनंत वीर्य है नमः ओम नि अनंत सुख है नमः ओम नि अनंत से नमः ओम नि निर्मलाय नमः ओम नि मक्षिराय नमः ओम नि मावेदाय नमः परंपरा सिद्धे समे आसन भव्य निर्माण पूजा अग्निम नय स्वाहा जोड़िए विद्वान वाले तदास्तु बोलेंगे और पुष्प का चेपन करेंगे लोगों जी और सभी आप लोग सदास्तु बोलेंगे। तीन प्रकार का आशीर्वाद दिया जाएगा सेवा भरम सर्व परम स्थान भवतु हे भगवान हमारे मेर सब परम स्थान की प्राप्ति हो हम इस कुट आश्रम अकाल मरण ना हो और समाधि मरणम जब भी मेरा मरण हो समाधि पूर्वक मरण हो इस भावना को लेकर के तीन प्रकार का आशीर्वाद दिया जा रहा सेवा परम सर परमिस्तान भवतो अस्तु हरयो निवासनम भवतो अस्तु निवारणम भवतो अस्तु पुरके चंद्रन कंदन पोष्टि करि लोक मार्ग के धवल मंगल का निरह कोटि जिन ग्रहे जिन मंत्र महामे सिद्धि कांत व्रते हरे गौरी मांगती चलिए पूरा धूप और घी लेंगे खड़े होकर के हवन की फेंटी भैया ये भैया हवन घट के होगा चलिए सभी धूप और घी लेंगे स्वाहा शब्द का उच्चारण ओम नी सभी धरणा शरणम प्रवते स्वाहा ओम नी मनम धरणा शरणम प्रवते स्वाहा ओम नी मनम मातु शरणम प्रवते स्वाहा ओम नी मनम सुदत्सय शरणम प्रवते स्वाहा ओम नी मनम देवना शरणम प्रवते स्वाहा ओम नी रत्नते शरणम प्रवते स्वाहा। अरे तुम क्या कर रहे हो उस क्रम में परमिस्तान भवतो अस्तु भवन्तु विनाशनं भवतो अस्तु समाधि मरणं भवतो अस्तु पूजा के चंदन कांदल पोष्टि करि सुदीप स्वरूप पराग के पवन मंगल का निरवा खोले जिन रहे जिन नए स्वाहा ओम नि मन जाताय स्वाहा ओम नि निर्गंथाय स्वाहा ओम नि बीजरागाय स्वाहा ओम नि महाविदाय स्वाहा ओम नि त्रिगुप्ताय स्वाहा ओम नि महायोगाय स्वाहा ओम नि विधियोगाय स्वाहा ओम नि विधमध्ये नमः स्वाहा ओम नि मनसाय नमः स्वाहा ओम नि पुरधराय नमः स्वाहा ओम नि गणधराय नमः स्वाहा ओम नि परमेश्वरभ्यो नमः स्वाहा ओम नि मनगुण जाताय नमः स्वाहा ओम नि महेन्द्राय नमः स्वाहा ओम नि परमार्थाय नमः स्वाहा ओम नि मन पे माय नमः स्वाहा समय दृष्टि
कर्मदे कर्मदे त्रिकुमुत्रे वज्रान स्वाहा स्वाहा। सभी हाथ जोड़िए, सेवा फल तक पर विस्तारम भवतो भवतो विनाशनम भव प्रलार्गते भवनमंगल आमिरवा कोले जिनद्रहे इन मंत्र महामंत्रे होमि पर स्वार बार मंत्र की जाप करेंगे। चलिए होमि मनमस्यावसा नमः 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 स्वाहा। ओमनी 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 मनमस्यावसा नमः ओमनी मनमस्यावसा नमः मनमस्यावसा नमः स्वाहा। ओमनी मनमस्यावसा नमः स्वाहा। ओमनी मनमस्यावसा स्वाहा। ओमनी मनमस्यावसा नमः 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 ओमनी मनमस्यावसा नमः तिरस्तु तथास्तु इष्ट संपत्तिरस्तु तथास्तु काम मांगिरुत्सवा संतु तथास्तु पापानि साम्यन्तु भूराणि साम्यन्तु तथास्तु पुण्यं वर्धतां तथास्तु कुलं गोत्रं च विवर्धतां तथास्तु स्वस्ति भद्रं चास्तु वः स्वस्ति भद्रं चास्तु नाम संपूर्ण फलार्थं पूर्णाहुति विदधते देवर्त मुनि सवेदनाथ भगवान की पंच कल्याण विदेश जा महोत्सव की। सभी बैठ जाइए अपने स्थान पर। पुष्प लेंगे उधर के चंदन तंदन कोस के कई चर सुधी पे सुधू पे पलार के कई धवल मंगल दान रवार कुले अमित जी ओम नि श्री भा पूजा भाव वंदना अधिकार पूजा अधिकार वंदना कार्य कर रहे भावना भाव श्री रंजन सिद्धि या समान के जलावे पंच पर विष्टि पर वाक्य तुम्हारे पर आचरण दिव्य अंदर सब सुधारी सोलह स्कान की आज चेतना चारे दाय सत्य सर्वसीमा संभव कृपाल चंद विश्वास वर्धमान चंद विश्वास का संजय वाला आदि जम्मू दिव्य भरत चित्र आई खंडे भारत देश से पड़त नाम नगरी श्री भुनेंगे एवं सुनो बाकी सभी अपने स्थान पर पुष्प का क्षेपण करेंगे। पांच सुदेश को ले की ये सिद्धांत को ले वो वे सारे पिजा को चंदन नरेसा वो वे बरसात समय पे चल बना रहे व्याधियों का देसा वो वे चोरी न जाए इस समय बच्चों ने दुष्काल भारी सारे देश दारी पुष्पांजलि शांति भक्ति समाधि भक्ति आयो सरगम करो आप नौ बार अच्छा इधर लेके सामने पूरा शक सामने देखो आएगा चलो उसका मुंह आ गया हां सर रुक गया ये लग रहा तो बात का पूर्ण वास्तु तत् परिसा आवानम नैव जानामि नैव जानामि पूर्णम विस्तारिनम न जानामि समं परमेश्वरो मंत्रहीनम क्रियाहीनम रक्तहीनम तथैव च तत्सर्वं शब्द काम देवे रक्ष रक्ष गिरेश्व आहु पाय पुरा देवे लब्ध भागाय तक्रो एवे अवधोक्ता सर्वयान्तु यथास्ति ओमि पंच पद प्रतिष्ठा महामहोत्सव सर्वे देवः स्वस्थाने गच्छते 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 जाजा जाजा पुष्पांग रिच्पावी एक किनाए की एक किनाए पुण्यवत Thank you.
सिंहासन लो भैया सिंहासन दो। अरे दो तो तुम्हें दे रहे। अजित इधर आओ। अजित पंडित जी आइए। चलिए काले भाई इधर आइए। काले भाई, काले भाई
एक और बहुत ही प्यारा सा तुम्हें साबरिया पारसदास कर पर बना दिया जाते हैं मेरे दुख पे मेरे दुख पे देखो Yeah!
ਕਰਨ ਤੇ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਚਾਹਤਾ ਹੋ ਆਓ ਚਲੋ ਭਾਈ ਉੱਪਰ ਸੁਣੋ ਉੱਪਰ ਕਮਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸ਼ਿਖਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾਗਾ ਉੱਪਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੀਪਮ ਸਮਰਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜੂਨੋ ਯਾਰ ਕਹਾਂ ਹੈ ਨਮੋ ਹਰਿਆਣਮ ਨਮੋ ਵਜਾਇ
खड़ी तो करने दो, भारी बहुत है वो। होली के नाम आपके नाम लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है? क्या फोटो आएगा, पीठ आएगी, हाँ ऐसा आ जाओ तुम भी, आओ भैया हाँ बैठाओ ऊपर सीधा खड़ा कर दो, अभी तो पीछे मत लेके जाओ, सीधा खड़ा कर दो, यहीं को दबा लो भैया, सीधा खड़ा कर दो। पूरा की तरफ तो काम ड्रोन ने कर दिया यार। विजय मैम की जय, पूरा को माधव जी पूरा की जय, भगवान की जय, बोलो जय धर्म की जय, आचार्य विद्यास सागर जी महाराज की जय, ले भाई मैं भी आ दूं, मेरा भी ले भाई, आनंद की जय। एक बार जयकारा लगा दो मुनि सुव्रत नाथ का, लेफ्ट से बजाया भगवान की जय, पादे सुक्ति सागर जी महाराज की जय, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय, क्या जय हो, जय हो।